जनाब 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 वेलकम टू टाइम आउट विद अहसन खान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जहां जहां भी आप देख रहे हैं बिल्कुल खैर खैरियत से और ठीक ठाक है। जनाब हम भी बहुत खुश हैं और आज होने वाले हैं बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि हमारे सेट पे आ रहे हैं बहुत स्पेशल लोग, हमेशा की तरह आपके मेरे पाकिस्तान के हम सबके पसंदीदा आर्टिस्ट। जनाब कहा यह जाता है कि अगर आप अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें तो आपके चेहरे पे बचपना कभी नहीं जाता, आपका दिल जो है वो भी हमेशा जवान रहता है, बचपना रहता है उसमें, और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। मुस्कुराते रहिए, दूसरों को पॉजिटिव वाइब दीजिए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरिए, तो आपकी ज़िंदगी में भी ऑटोमेटिक खुशियाँ आती हैं। हमारे आज के दो आर्टिस्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तान इंडस्ट्री के पायनियर हैं, ऐसे लोग हैं जो एंटरटेन करते आए हैं साला साल से मुझे आपको हम सबको, हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं। जब भी आप उनसे मिलते हैं, जब भी उनको देखते हैं तो आपका दिल हो जाता है खुश, और आज भी आपका दिल होने वाला है खुश उनसे मिलके। मिलवाऊंगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद अहसन खान। और ब्रेक में जाने से पहले, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज का शो मेरे तमाम शो से सबसे स्पेशल शो है, क्योंकि आज के गेस्ट भी हैं सुपर स्पेशल। अगर मैं उनके टैलेंट की बात करूं तो हर चीज की एक बेस होती है, पिलर्स होते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री के चंद पिलर्स हैं, उनमें से इनका नाम है जनाब। और अगर मैं इंसानियत की बात करूं तो इतने प्यारे लोग, इतने ज़बरदस्त लोग कि आप इनसे असल ज़िंदगी में मिले तो आप, वो कहते हैं ना कुछ लोगों की खुशबू जो है वो हमेशा आपके साथ रहती है, ये उन लोगों में से है कि आप जब इनसे एक दफ़ा मिल लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद आप सारी ज़िंदगी के लिए इनके फ़ैन बन जाते हैं एज ए ह्यूमन एंड एज अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑल्सो, दोनों सुपर टैलेंटेड है। पहले मैं बुलाऊँगा हमारी बहुत प्यारी, जान से प्यारी, आपकी हमारी फेवरेट बुशरा अंसारी। भाई इस पर तो पैमरा को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो रिश्तेदारियां मुख्तलिफ, कई दफा मैंने बेटा बनाया इनको, एक दफा तो हस्बैंड बनते सो हम लोगों की फिक्र ना करें। हमारी कहां इतनी किस्मत कि हम हस्बैंड बन जाए। नहीं, एक दो ड्रामों में सोचा बलते बलते निकल गए, सोचा भी था, फिर आप कंसिडर हाँ। भी किया था एज माय हस्बैंड, फिर जिब्रान ने किया था सीता बागड़ी। ओह यस 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 ओके, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कभी बेटा बना लिया। सीता बागड़ी बहुत से लोगों के लिए गेम चेंजर था जिंदगी का, बिल्कुल था, था ना ऐसा, बिल्कुल आपके लिए भी था ऐसा था। अच्छा जनाब नेक्स्ट गेस्ट को आपसे तो बातें शुरू करूंगा तो फिर मैं बातें करता रहूंगा, दूसरे वाले को रहने दो फिर। वो भी जबरदस्त हमारी बातें करते हैं, जैसा मैंने बताया हमारे बहुत ही अमेजिंग, बहुत प्यारे, मैं कहता हूँ इंसान, और आर्टिस्ट भी बड़े, इंसान भी अच्छे, और ये कमाल की बात है। लोगों से सबसे पहले तो मुझे ये सीखना है कि आप आर्ट तो दिखाते हैं अपना स्क्रीन पे कि आप इतना अच्छे हैं, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान कैसे बनते हैं, ये भी पूछते हैं हमने। तो प्लीज वेलकम बहरोज़ सब्ज़वारी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप ये बताइए? बहुत प्यारा हूँ। यार माशाल्लाह मुंह पे कपड़ा मार आ गए। यानी क्या क्या राज मैं इन दोनों से पूछूं? पहले तो मुझे ये बताएं, दोनों सुपर फिट लग रहे हैं माशाल्लाह, अब इसका क्या राज है? राज बता दें। इसका राज है कि दिल अच्छे हैं, मैं तो यही समझता हूँ। पता नहीं, मैं तो अपनी तारीफें नहीं करती, देखो उसके अपनी तारीफें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मैं I've been always underweight, उसका अब फायदा हुआ। अब फायदा हुआ। अच्छा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे जाके वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो अंडरवेट इंसान जब थोड़ा सा वेट बढ़ाता है तो वो अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल, ये भी कमाल है। लेकिन आप अपना ख्याल रखते हैं। नहीं, वैसे ये भी मोटे नहीं थे कभी, कभी भी नहीं थे, ना जावेद ना बहरोज। हम लोग उस वक्त जमाने में देखें, समीना अहमद इतनी मक्खी सी, मैं इतनी मक्खी सी, रुबीना इतनी मक्खी सी, बहरोज जावेद पतले दुबले, क्वालिटी फूड खाते थे। अच्छी बात है, क्वालिटी फूड, हैदराबाद से जलेबियां समोसे।
تو ہم سارے زمانے کے لوگ دیکھ لیں نا آپ, سمینہ احمد نے اتنی منی سی, ابھی بھی سب تو وی وار آل پیٹیٹ ایکچولی, تو وہ اچھا ہی ہو گیا. بس اصل میں اس عمر میں آدمی پتلا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے, یوزلی. اور یہ یقیناً سچ بات ہے بشرا, تم مانو نہ مانو, دل اگر اچھا ہے تو آپ کی شکل, شکل نور آئے گا. یار دکھانا میری شکل پہ نور ہے یا نہیں یار, یہ ذرا پہلے میں دیکھ لوں, پتہ چلے دل اچھا نہ دیکھ. صاحب ہے, ہم کہہ رہے ہیں, آپ تھوڑی کہیں گے سر سر سر, یہ تو ہم کہیں گے. نہیں نہیں, آپ کا پیار ہے, آپ کی محبت ہے. اچھا آپ کو, اٹس بین 55 ایئرز دیٹ یو ہیو بین ورکنگ فار ٹی وی, آپ کو 50 سال تو ہو گئے ہوں گے. ایکچولی تو آلموسٹ ساتھ ساتھ ہی سٹارٹ کیا تھا, یہ کراچی سے بچپن میں, کراچی کے چائلڈ سٹار تھے, میں لاہور کی چائلڈ سٹار تھی, میں گاتی تھی, یہ تو ڈراموں میں آتے تھے, پھر یہ لگے رہے. بیچ میں میرا کوئی 5-7 سال کا گیپ آ گیا تھا. سو وہ میرا جو پہلا والا ٹینیور ہے جو 3 سال کا تھا, جو بچوں کے پروگرام کی پریاں وریاں تھیں, وہ بھول گئے تھے لوگ. پھر میں نے ریزیوم کیا تھا, تو تب میں نے کلیاں سے کیا تھا 78 میں, تو اب 43 ایئرس تو ہو گئے. ماشاء اللہ. اچھا ایک آدمی کے لیے تو پھر اس کا بریڈ اینڈ بٹر ہے اور وہ گھر سے نکلتا ہے اور ایک خاتون ہوتی ہے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے, لیکن ایک عورت کے لیے I mean, in those times, even now, it's so difficult. And then taking care of your kids yourself. Aapne kis tarah apni betiyon ka, inhone khud school le jana, khud ji. Let me say something. Ye witness hai na. For her. Bushra Ansari, khana pakana, ghar ki safai karna, bachcho ko tayyar karke school khud chhod kar aana, aur phir lene jana, aur phir recording pe jana. یہ ایک دن کی بات بتا رہا ہوں. اور نیل پالش لگی ہوئی, پلکیں لگی ہوئی, بال بنے ہوئے, یہ نہیں کہ برے حال ہیں. احسن پھر شام کو سٹیج شو بھی کرنا, اللہ, اور پھر گیسٹ بھی کوئی نہ کوئی آنا جانا ملنا. ایمانداری, بہت ایمانداری, سسرال والے بھی اور میرے گھر والے بھی. لیکن ہر کوئی ایسا, مطلب میں نے تو اس طرح کی خواتین کم دیکھی ہیں, ایک کام کرتی ہیں اور پھر دوسرے کو ان کو گھبرا. یہ خاتون نہیں ہے, ہاں یہ جن ہے. اچھا انسپریشن کیا بشرا جی, کیا آپ کے کام کی انسپریشن دی, کہ آپ نے ماشاء اللہ, بیکاز فیملی میں تو آپ کے میوزک بھی تھا, یور فادر آئی مین ہیز ان ٹو دس فیلڈ, ہی واز, آپ بڑی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئی, لیکن ایک انسپریشن پھر آپ نے اس کو جاری رکھا, کیا انسپریشن دیا؟ ایکچولی تو ساری بات اپرچونیٹی کی بھی ہے, اور بچپن میں تو خیر الاؤ کر دیا تھا کہ چلے بچوں کے پروگرام میں گا لو, لیکن اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا, بڑے جیسے ذرا سا قد نکلا انہوں نے کہا بس بس بیٹھ جاؤ. تو ماں باپ ڈر جاتے تھے نا تب کے, کیا اکیلے. میرے فادر کو کلاسیکل میوزک کی بڑی نو ہاؤ تھی, ان کو ساری نالج تھی, کون سا راگ کتنے بجے, کون سے راگ میں کتنے ٹھاٹ ہیں, کس کا کیا ٹائمنگ ہے, سب پتا تھا. لیکن ہم سے سنتے بھی تھے گانے, لیکن ان کو یہ تھا کہ میں باہر ایکسپوجر میں نہیں ایسے بھیج سکتا کہ پتہ نہیں میری بچیاں آئیں اور میں ان کو گانا سکھا کے سنگر بنا دوں تو کیا ہوگا, اس زمانے میں تھا خیر. لیکن بس جب کام کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس میں باقاعدگی اس لیے آئی کہ ہسبینڈ تھے ٹی وی پہ, پی ٹی وی پہ کام کرتے تھے اقبال انصاری صاحب, تو پھر ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا, تو میں ایک تسلسل سے یہ کر سکی. باقی میری بہنیں نہیں کر سکیں, بڑی والی باجی تو لکھتی سی, ذرا رائٹر ہیں وہ, تو ذرا نہیں بلکہ 8-9 کتابیں ان کی 10 ہیں. تو باجی چلی گئی امریکہ, تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت لکھتی تھیں, اور اسما بھی فوجی کی بیوی تھی, تو پھر جب فوجیوں کے یہاں الاؤڈ نہیں تھا, تو جب ان کے ہسبینڈ ریٹائر ہوئے تو پھر وہ آئیں دوبارہ, پھر انہوں نے کام شروع کیا. ٹھیک ہے, ایسا کہ میں شاید ٹیلنٹڈ بھی ہوں گی, اور پھر میرے اندر ایک ڈٹرمنیشن کام کی ہوگی, کیونکہ بچپن سے مجھے ایک چھوٹا سا نا شہرت کا چسکا لگا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور مزہ بھی آتا تھا, امپورٹنس ملتی تھی, ٹھیک ہے, پیسے بھی تھوڑے سے ملتے تھے, لیکن ایکچولی مجھے اب یاد پڑتا ہے بہروز, مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ پیسے لینے نہیں جاتی تھی, مجھے کچھ کرنا ہوتا تھا, کرنا ہوتا تھا کام, اس کے ساتھ 20 روپے بھی مل جاتے تھے, بڑے ہوتے تھے 20 روپے بھائی ختم ہی نہیں ہوتے تھے. اچھا تو یہ اس طرح آپ کا مطلب ٹیلی ویژن سے وہ لنک رہا نا, مطلب کراچی نے بڑا مجھے انکریج کیا, میں اسلام آباد سے جب آئی, سب سے پہلی افطار پارٹ اپنے گھر میں انہوں نے کی, افطار نریمان کو میں گود میں لے کے گئی ان کے گھر, 81 میں ہم, ماشاء اللہ, اتنی پرانی بات نہیں ہے ویسے, کل پرسوں کی بات, چھوٹے چھوٹے تھے نا, شریف لوگ تھے بیچارے جن کے گھر یہ پیدا ہوئے. نہیں میں بہت چھوٹا تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. آفتاب عظیم صاحب ایک سینئر پروڈیوسر تھے پی ٹی وی کے, صحیح, اللہ غری کے رحمت کرے, آمین. تو جب 68 میں یہاں پر 67 نومبر میں شروع ہوا تھا, ابھی سالگرہ منائی گئی ہے پی ٹی وی کی, تو وہ مجھے ایک فینسی ڈریس شو میں لے گئے, بہت سے بچے محلے کے لے گئے, ٹھیک ہے, ہم لوگ کراچی میں ایک علاقہ ہے جیکب لائن,
वो उस वक्त GOR होता था, गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, अब्बा नेवी में थे, तो वो मुझे ले गए साथ। मैंने वो चौकीदार का कुला वगैरह पहना, बस प्यारा बटवा सा तो था। तो वो मुझे ले गए वहां पर, जब वो हो रहा था लाइव शो, लाइव ही होता था, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बिल्कुल सही। तो इशरत अंसारी साहब ने मुझे आफ्ताब भाई से कहा कि यार इस बच्चे का एक प्ले है, कल चलेगा। ठीक है, चलेगा क्या? कल ऑन एयर, कल ऑन एयर जाएगा लाइव। हाँ, तो ये बच्चा कर लेगा? उन्होंने कहा आप बताने तो कर लेगा, मुझे तो याद भी नहीं, कसम खुदा की। और वो लाइव शुरू हो गया काम, और आपने कर दिया। अरे पता किसको था? असल में जब आपको पता चल जाता है ना, फिर आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बचपन में तो लगे रहे, अल्लाह की शान है। तो हम भी जब गाते थे तो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था ना लाइव, तो वो एक शुरू में तिलावत होती थी, पीटीवी शुरू होता था 5-6 बजे जो टाइम था, छह बजे, फिर तारिक अजीज साहब आके कुछ अनाउंसमेंट करते थे, और उसके बाद बसीरत होता था, उसके बाद ये शो, और हम सारे बच्चे बैठे होते थे म्यूजिशियंस के साथ, और एक अंकल होते थे खलील अहमद साहब, बहुत बड़े कंपोजर, और एक और अंकल अमीर हैदरी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत गवाया। तो अब वो शुरू हुआ और उन्होंने इशारा किया और हम शुरू हो गए। अच्छा, अगर कैमरा मैन अंकल के आगे आ गया तो मैं गाना घूम गया, मेरा गाना अंकल की शक्ल देख के गाना होता था ना, गाना शुरू, गाना मतलब ये हो गया ना, जो वो हटे कैमरा मैन, फिर वैसे की वैसे होगी ना खुशी से। लेकिन ऐसा मैं ये समझता हूँ बुशरा और मैं खास, जी 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 जी, वी हैव बीन सो लकी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, माशाल्लाह, कि हम कभी बैठे ही नहीं। हाँ, ये भी बड़ी ब्लेसिंग है। कि एक होता है कि एक टेम्पररी काम कर लिया, चले गए, फिर गायब हो गए, ये काम ना मिला। जो होते हैं वो सिर्फ बचपन में ही नजर आते हैं, ये मोस्ट हो के तो वो आड़े टेढ़े भी हो जाते हैं, ज्यादातर यही हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ। बहुत बड़े क्यूट होते हैं, फिर बड़े होके वो लगते हैं ये वही थे यार। ये तो ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है और माशाल्लाह देखने वालों की मोहब्बत है कि बर्दाश्त कर रहे हैं अब तक। नहीं नहीं, बड़ा हमारे पास, और मतलब हमारे तो बड़े नामों में से जब हम नाम 4-6-8 ले तो आप दोनों का नाम आता है ना उसमें, इतने जबरदस्त नाम है। अच्छा, एक चीज मैं जरूर, जो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि जैसे नाम बनाने में टाइम लगता है, लाइक हमें, मैं अपना अगर देखूं या और लोगों को देखता हूं, लेकिन पीटीवी जब खाली सिर्फ एक चैनल था तब आप अगर एक पेरेंट्स आपने पीछे भी आप खड़े हुए हैं और छोटा भी कैरेक्टर है तो आप बहुत पॉपुलर हो गए। अब दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिक हुई या एक प्ले बस क्लिक हुआ, दोबारा से वो टाइम आ गया कि इंस्टेंट, या शायद ये मेरा, मुझे गलत लगता है, इज इट सो कि अब इजी हो गया फेम होना, फेमस होना? मैं बताता हूं। अच्छा, पता नहीं आप मुत्तफिक हो। जी जी, बताइए। अब जो ड्रामा है स्पेशली वो न्यूज़पेपर हो चुका है, सुबह ताजा ताजा अखबार आया, आपने पढ़ा और फेंक दिया, फिर उसको फेंक दिया, फिर वो रद्दी में, बर्तन रखने में रद्दी में चला गया। ये ड्रामा है आजकल का, सुपर ड्रामा जो एक साल पहले चला कोई भी, सही, किसी को याद नहीं, बहुत कम याद है, सही, मतलब उसका वो जो एक, उसका वो जो जैसे कहते हैं ना, जो मजा उसका नहीं बाकी। मैं बताता हूँ, जैसे जोक सियाल अभी तक याद है, वारिस अभी तक याद है, तन्हाइयां अभी तक याद है, तन्हाइयां बाद में है, खुदा की बस्ती अभी तक याद है। हाँ जी, मेरा नाम मंगू याद है, बिल्कुल अभी तक याद है। आपके लॉन्ग प्लेज मतलब मैं, हमने रिपीट में देखे, वो लोगों को याद है। यार एक हमारा प्ले था, अब मेरा इंतजार कर, नहीं हमारा दोनों का था ना, जरा सी औरत, सुल्ताना ने डायरेक्ट किया था, जरा सी औरत, शफी मोहम्मद मरूम, और क्या खेल था वो, बस उसके अंदर जो एक कंटेंट में एक सब्सटेंस था, एक उसमें ताकत थी, वो फिर देर तक याद रखा जाता था जो भी काम उस जमाने का। लेकिन उसकी बुशरा जी ये वजह भी कि कम नजर आते था ना काम। नहीं देखिए, तो एक मेरी एक ये बात भी है, ये सिर्फ यही बात नहीं है, अब आप देखिए उस जमाने का म्यूजिक, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, ठीक है, अमानत अली खान के फूल फूल ने लिए अंगाई, या ए वतन प्यारे वतन, हमारे बचपन के हैं वो, तो नहीं वो मरे नहीं है, नहीं, वो गाने और हर चीज जिंदा है, वो इवन म्यूजिक देखे ना, इवन अहमद रुश्दी, मेहंदी हसन, ये सब जिंदा है। मतलब इसका मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क वाज बेटर, क्वालिटी पे क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी का मतलब क्वालिटी में डेडिकेशन था, प्योर ज्यादा था, प्योर सही सही। अब तो कमर्शियलिज्म बहुत है ना बेटा, अब तो हम ये देखते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल ये है ना, और कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं कि शॉर्टकट भी हो जाए यंगर लोगों के लिए, कि बस मशहूर हो जाए जल्दी से। पता नहीं, मैं यंगर लोगों को ब्लेम नहीं करता हूं, नहीं उनका इसलिए पूरा माहौल कंपेयर बिटवीन यू कांट, ऑब्वियसली उनकी फॉल्ट नहीं है ना, यूं था अब ये यूं है, नहीं लेकिन उनको पता ही नहीं कि पहले क्या था वो, क्या हसन, और तुमने तो पीटीवी में काम किया। जी मैंने पीटीवी किया, तुम ये सोचो कि 5 दिन हम रीडिंग करते थे, 2 दिन मूव्स करते थे, वो अभी भी बुलाते रिहर्सल, जब कोई काम हो ना तो रिहर्सल भी बुलाते, सही है ना,
اور خوشی ہوتی تھی کہ یہ والا رول ملا ہے, اس میں میں منہ پہ کالک لگاؤں گی, پھر میرے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں گے, میں جگی میں بیٹھی ہوں گی, ہائے تندور پر روٹیاں لگا رہی ہوں گی, مطلب کیریکٹر کی. اور یہ کہ فلاں کا اسکرپٹ ملا, بانو کسیا کا اسکرپٹ ملا, یا اشفاق صاحب کا اسکرپٹ ملا, ایکسائٹمنٹ لیول ہی اور تھا. اور ایک بڑی چیز ہوتی تھی, یہ نہیں تھا کہ میں پیاری نہیں لگوں گی. اب تو بہت فکر ہوگی مجھے کہ مجھے پیاری لگنا ہے ہر وقت. اچھا میں ہمیں بریک پہ جانا, لیکن آپ کی ہم نا آپ کے گانے کی ایک لائن سننا چاہتے ہیں, پھر بریک پہ جائیں گے. کوئی بھی جو آپ کو بہت آپ کے دل کے قریب گانا. گانے تو سارے مزے مزے کے ہیں, ایسے بس دو لائنیں آپ ہمیں گنگنائیں گی, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ویسے خواتین و حضرات, احسن نے بلکہ بشرا نے احسن سے کہا تھا اس پہ بریک کرتا ہے, کہہ رہا مجھے کہا تھا تو میں اشارہ کرتا ہوں. ہم جاتے ہیں, نہیں نہیں کوئی, ہم جاتے ہیں نا باہر. لیکن یار خواتین و حضرات اور احسن خان صاحب, اللہ پاک اس خاتون کو سلامت. آمین آمین آمین. رائٹر بھی ہے, سنگر بھی ہے, ماشاء اللہ یار, آرٹسٹ بھی ہے, کامیڈی کرتی ہے, سیریس بھی ہے, کامیڈی بھی ہے, فلانا بھی ہے, اور پھر انسان بھی اچھی ہیں. اب میں کیا بتاؤں ان کی انسانیت کی, کس سے بھی مجھے پتا ہے. ارے معذرت چاہتا ہوں یار, وہ چھوڑو یار بس. پھر کون سے گانے پہ ہم جا رہے ہیں, کیا کیا سنا رہے ہیں؟ چلو ایک چھوٹا سا کسائی کرتے ہیں ابھی. ایسی تتر تر تارا را را, تر تر تارا را را, بولے یہ دل کا ایک تارا میرے ہمدم, میرے ہمدم پیار کا موسم ملتا نہیں دوبارہ, ہائے ہائے تر تر تارا تارا, بولے یہ دل کا ایک تارا. تم نے کس نے کہا چال بدل لی؟ ٹھیک ہے جناب, بریک پہ چلتے ہیں, گیم کی جانے پڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے ٹائم آؤٹ ود احسن خان. ویلکم بیک ٹو ٹائم آؤٹ ود احسن خان, اور میرے بہت پیارے ہمارے فیوریٹ دونوں سپر اسٹارز یہاں موجود ہیں. اور یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں اب سوئچ آ چکا ہے. بشرا جی جو ہیں وہ ڈر رہی ہوں. نہیں نہیں, آپ کو یہ دبانا ہے, مجھے لگتا ہے آپ کو تو کم لگائیں گے یہ جھٹکے, ان کو آپ شاید زیادہ لگا دیں بار بار, لیکن دیکھ لیتے ہیں. ہمیشہ سے جھٹکے لگا رہی ہیں پچھلے کو 45 برس سے. اچھا دوستی اتنی آپ لوگ کیا کریں, الحمدللہ پیارے. اچھا ٹھیک ہے چلے, دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی دوستی تو بہت ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں. میں سوال آپ سے جو کروں گا وہ ان کے لیے آپ کو جواب دینا ہے, اور آپ سے جو کروں گا ان کے لیے جواب دینا. اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو آپ کو یہ بٹن دبا دینا, کہ بھائی, اور اگر انہوں نے غلط دیا تو آپ کو بٹن دبا دینا. صحیح ہے سر؟ یہ ہاتھ رکھے ہیں نا, اس کو پکڑ کے رکھے, کبھی بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. آپ پکڑ کے رکھیں گے, وہ دبائیں گے تو جھٹکا, اور کیسے لگے گا آپ کو بہروز بھائی؟ میں دباؤں گی تمہیں جھٹکا لگے گا. یہ تو ویسے بھی جھٹکا لگا. ہاں بجلی تو ان کا لاب ہے ہی, وہ تو ویسے ہی لگا دے گی, وہ آپ کو ٹچ کر کے لگا دے گی. اچھا جی, پہلا سوال جی یہ آپ سے ان کے لیے, میری یعنی ان کی جاوید شیخ کے علاوہ کسی سے نہیں بنتی, یہ دبا دی. سچ ہے کہ جھوٹ ہے بھائی, یہ بتائیے, یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ نہیں جھوٹ ہے. جھوٹ ہے یہ, صحیح کہہ رہی ہیں, سب سے بنتی ہے. جاوید شیخ کے علاوہ بس مجھ سے بنتی ہے, بس آپ سے بنتی ہے. اور تم سے نہیں بنتی کیا؟ بنتی ہے آف کورس. پھر سچ ہے نا, وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے جی. اتنا تمہارے خیال رکھا ہے بچپن سے تمہارا. ٹھیک ہے, میں کبھی کبھی پیسے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں. کرتی ہیں؟ ہاں. اب میں دبا رہا ہوں. انہوں نے بتایا نہیں تھا, اگر یہ لوگ بتا دیتے تو اتنی بے عزتی. اچھا یہ پیسے بالکل نہیں بچاتی, میں نے دیکھا, یہ تو جو ان سے پیسے مانگتا ہے یہ مطلب کہتی ہاں ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بہت مدد کرتی ہے سب کی, قسم خدا کی. یہ اچھی بات ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اور اللہ نے اسی لیے ان کو نوازا ہے, اور ان کو ایسے ایسے تحفے اللہ نے دیے. ماشاء اللہ, ایک تحفہ جو میں چلو کرنٹ ماروں. اوئے بیروز, احسن سمجھ گیا نا اس بات پہ تو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بار بار کرو, یہ ہمارا جو ایک راز ہے آپ بار بار اس کو فاش کرنے کے چکر میں. ہم نے ایک بات چھپائی, مطلب میں نے, آپ میری بات بتا رہا ایسا کا راز تم رکھ نہیں سکتے. یہ کیا حضا سب یار, کیا ہے یار. اچھا جی, اچھا آگے چلو. مجھے شادی کے بعد سب میرے دوست جورو کا غلام کہتے ہیں,
उसकी गुलामी करना जबरदस्त बात है भाई यार, ये स्टेटमेंट है, ये गॉसिप है, हंसों का जोड़ा है, हंसों का जोड़ा। मैं तुम्हें बताऊं, खुदाई कसम, अभी मेरी नीस की शादी हुई, मेरी बेटी है वो, सारा काम सफीना ने किया। अच्छा, सारे घर के बच्चों के कपड़े, सारे बड़ों के कपड़े, उस बच्ची का हर चीज खुद सफीना ने किया, हमेशा करता है खुदा की कसम। फॉर 3 मंथ्स तो जोरू का क्या, मैं उसका गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। ये देखे ना, ये लोगों को, ये लड़कियों की सीखने की चीजें, वो किसी के ऊपर काम करती तो एहसान करती है आजकल, है ना, काम का करती है। हाँ करते, अच्छा ये आप बेहतर जानते हैं। कई तो लोग काम दिखा जाते हैं, काम है। उसकी वजह ही है, काम नहीं करते, काम दिखा जाते हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। नहीं, उसकी वजह ये है कि ब्रॉट अप ऐसा है अब, हाँ, आजकल उसमें बच्चियों का कसूर नहीं है यार। उनके, अब मैं ये समझता हूँ, उनके माँ बाप ने सिखाया नहीं। अब ये भी तो बच्ची थी, कभी अपने बच्चे पाले, गाड़ी चला के, कभी क्या यार, अभी भी बच्ची, वो क्या हो गया, अभी भी दिल 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 होना चाहिए, अभी भी बच्ची है लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी सी, थोड़ी सी, बिल्कुल सही है। मेरी नजर में, यानी उनकी नजर में, अवार्ड शोज ये है बिल्कुल बेकार है। हाँ, आपको भी, ये आपकी नजर का सवाल पूछा, अगर उन्होंने गलत बोला तो दबाएं, ये दबाया है, वो दबाया, इसलिए कि सारे नहीं, सारे ये बेहोश भाई ने क्या पकड़ा है, सीट पे उछल यार, वो बटन दबता है तो मुझे सुनो, अब हमारी उम्र ऐसी है, हमें जरा सा भी करंट लगे हम इतना ही उछलते हैं, और हमें करंट जरा मुश्किल से लगता है। सारे नहीं, सारे नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि अवार्ड एक ऐसा, मैं तो समझती हूँ ऐसी रीयूनियन है। अरे ठहर जाना, पकड़ा ही नहीं, ये जो अवार्ड के बारे में बात कर रही है ना, मैं इससे मुत्तफिक नहीं, सारे नहीं, क्योंकि वो सारे अवार्ड जो है वो या तो असल में जिसका बनता है उसको अवार्ड नहीं देते ना, तो मेरे आग लगती है। अच्छा। देखो, ईमानदारी की बात है, देखिए बेरोज में कभी कभी 4-5 सभी लोग अच्छे हो रहे होते हैं, उसमें से एक को उठा लेते हैं। आप ज्यूरी जो बना रहे हैं वो क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, सही है, दो बड़े एक्टर ले लें, दो जर्नलिस्ट जो के सेंसिबल जर्नलिस्ट, ठीक है, दो वो क्रिटिक्स लें, वो क्रिटिक्स जिनको के फिल्म की नो हाउ है, ड्रामे की नो हाउ है, जिन्होंने लिटरेचर के पास से गुजरे हों, बिल्कुल 6 लोग वो हों, तो आप बिठाएं जूरी, फिर म्यूजिक से रिलेटेड 2 लोग हों जो गाने का, देखो ये तरीका, ये तरीका है ना, और ये ऐसे ही थपी टीवी में, सही है। पर आपने बिठा रैंडमली किसी को, अपने अपनों को बांट रहे हैं आप। हाँ, मैंने ये तो यही देखा भाई, माजरत के साथ। नहीं, फिर वो जो होता है ना व्यूअर्स चॉइस, तो फिर वो तो पता नहीं क्या ही, व्यूअर्स चॉइस का ऑथेंटिसिटी तो दिखाओ हमें, क्लैरिटी उसको आपकी, क्या थोड़ा क्लियर। अच्छा, वो शर्मिंदा भी नहीं होते जिनको गलत अवार्ड मिलता है। तो इसलिए फिर आपके ख्याल में बायस होते हैं यूजुअली इतने, मुझे ये लगता है, I'm sorry. जब तक मुझे मिलते रहे तब तक ठीक थे। मुझे 3 साल लगातार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ अवार्ड ऐसे हैं जो बड़े अच्छे, वो प्रोमिनेंट जो नाम होते हैं पूरे साल में, उनकी एक वो देखते हैं कि प्ले कितना हिट हुआ या फिल्म कितनी हिट हुई। आप एक मिनट देखिए, मुझे किस पर मिला था अवार्ड, मुझे मिला था साइमा चौधरी पे, सही, क्या जो कि डिजर्विंग 100%। अच्छा, जो उसके अलावा मुझे मिला था नम 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 नम, उस पे किस स्कोर पे मिला था, शायद उडारी पे, उडारी पे, बिल्कुल। एक मुझे मिला था रुबीना का एक प्ले था, नाम ही भूल गई, तो उसमें एक प्रोमिनेंट एक्टिंग और अच्छी, तो मुझे ऐसे मिला था, तो मुझे नहीं लगा कभी के हो। अब वैसे और बात है कि मेरे साथ सभा नॉमिनेटेड थी, तो मैंने कहा अल्लाह सभा ने तो इतना अच्छा किया था, इसको क्यों नहीं दिया मुझे, अपना अवार्ड दे देती ना सभा को। मैंने कहा लो, वो तो 8 दफा बेचारी नॉमिनेट हुई है मेरी दोस्त, और इत्तेफाक से कभी भी नहीं मिला, तो मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई, खुद मैं स्टेज पे शुक्रिया कर रही, शुक्रिया के साथ मैंने उसकी, मैंने कहा तो सभा को मिलना चाहिए था, लेकिन सही है, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है ना यार। ठीक है, ठीक है जी। मेरी इस आदत का बहुत मजाक बनता है, इनकी कौन सी आदत है जिसका सब दोस्त या सब लोग मजाक, हाँ ओए होए कुछ ना पूछ, वो बता ही दें, खबरदार जो तूने करंट मारा होगा। सच बताऊंगी, बता
ये झल्ला जाता है एकदम से, झुनझुना जाता है। अच्छा? किसी दिन ऐसा भड़कता है कसम से, ये क्या है, ये नहीं गुस्सा आ जाता है किसी बात पे? हां ऐसा चिढ़, किसी बात पे नहीं आता, एक्सक्यूज मी, चिढ़ जाएगा, चिढ़ जाएगा, एक्सक्यूज मी, अभी ना आ जाए वो मौका। नहीं नहीं आ सकता है, नहीं पहले, नहीं नहीं अभी नहीं, पर उसमें अभी नहीं है, थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं दूर है यार, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं मुझे मुझे एग्जेजरेशन पे ओके और ज्यादा उस पे गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं, आई कांट हेल्प इट। सही सही, सिंपल सी बात, चाहे वो घर में हो चाहे वो काम पे हो, भी हो यार। जैसे बाहर ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा ना, तो इवेंट्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, आज डेलिस में है, कल ओटवा में है, परसों कहीं है। अच्छा आप फैन भी बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं करोड़ों तस्वीरों का, मैं भी बताऊंगा। अच्छा अब एक जिनके साथ पहले कल खींची थी वो लोग आज भी खिंचवा रहे थे, और हम लोग मरे हुए थके हुए पहुंचे, और हम इवेंट तो कहते इस बात पे थोड़ा होता है, लेकिन उनकी मोहब्बत है साथ हाथ जोड़ के माजर। हम हर जगह से इतने ट्रेवल से थके होते हैं, कभी कभार उनको तो नहीं पता होता, वो समझते आज ही आए, आज आए अभी पहुंचे, आप ये मुस्कुराते ही रहे सिर्फ। सही है, बहुत सारे काम मैंने यानी ड्रामे कोई स्टेज बगैर सोचने से सिर्फ पैसों के लिए भी कर लिए। किसने किए? आपने किए? ये सवाल सवाल है उनके लिए, किए उन्होंने पैसों के लिए? हाँ नहीं, अब करने लगे हैं पैसों के लिए। और आप भी सारे अच्छे काम कर रही हैं। मैं बताता हूँ, एक वक्त था माशाल्लाह ये तो हमेशा बिजी रही है, सभी बिजी रहे, तो हम ड्रामे करते थे और कर रहे हैं प्राइवेट प्रोडक्शन, गर्मी में सर्दी में ऐसा ही होता है ना, ये कहते थे क्या कर रहे हो कम वक्त हो तुम लोग, हर वक्त ड्रामा ड्रामा शूटिंग है शूटिंग है, कैसे कर लेते हो तुम लोग, कैसे करते हो? और अब माशाल्लाह लगातार मैं इतने नहीं करती, एक दो ही करती हूँ, एक आध इस साल तो मैंने मतलब काफी दिनों से। आप माशाल्लाह आप तो नहीं, वो बात नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, वो नहीं, ये बात नहीं है कि ये सुन लीजिए भाई, इत्तेफाक से पिछले साल मैंने 3 प्रोजेक्ट किए और मैंने कहा मुझे क्या हो गया, मैं तो कोविड में और ही ज्यादा हो गया, क्या मतलब है मुझे क्या हो गया। लेकिन वो ऐसा तो नहीं हमें लगा कि आपने बहुत ज्यादा किया, वो ठीक लगा। नहीं मैं हर वक्त, यानी अब आप लोग स्क्रीन पर नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? आपको सर आप बताए, मैं एक बात ही हमेशा कहता हूँ कि इतने अच्छे आर्टिस्ट अगर ब्रेक ले लें कहीं चले जाए फिर उनके रिप्लेसमेंट कौन होगा? Anybody. So you have to, we want to see you guys. एक बात मैं तुम्हें की बता रहा हूँ। जी जी जी। आप चाहे कितनी फिल्म्स कर लें, आप चाहे कितना ही काम कर लें, जिंदा आप टेलीविजन से। टेलीविजन से। आप तो टीवी की प्रोडक्ट है ना? प्रोडक्ट बिल्कुल सही। इसलिए हम तो चाहते हैं हर वक्त करते रहे। टीवी करते रहे, बिल्कुल सही। ठीक है जी। अगर मैं बहुत देर से कुछ ना बोलूं तो उसका मतलब ये होता है, अगर ये बहुत देर कुछ बोले ही ना, चुप कर गए, खामोश हो गए, तो उसका मतलब ऐसा कैसे हो सकता क्या? नहीं, मतलब? नहीं नहीं हो सकता है, क्यों सफर में कैसे चुप बैठा होता है? अच्छा, वो तो डर के मारे चुप बैठा बगल में सफीना होती है ना। नहीं नहीं उससे कभी जहाज से डर लगे, जहाज के सफर से डर नहीं, आराम करना, आराम कर रहे सोते हुए तो इंसान चुप ही रहता है ना। हां ठीक है, बिल्कुल सही है। है छोटा सा करंट लेकिन है। मैं कामयाब हूं इसलिए कि मैं, इसलिए कि मैं कामयाब हूं इसलिए कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूं। अच्छा चवन्ना टैलेंट कोई नहीं मेरे अंदर है। ये टैलेंट तो अपनी जगह है। लेकिन टैलेंट और एक्टिंग और कोई भी काम दुनिया का आपके अच्छे दिल पे बेस बहुत ज्यादा, एज ए ह्यूमन आप कितने अच्छे, बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल सही। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ये है, इनकी फेवरेट एक्ट्रेस आजकल की बच्ची या आजकल की? क्या इसका तो नहीं बताया मुझे तुमने। किसी एक पे उंगली रखी है तो बताऊ, मुझे नहीं पता चला। अच्छा ठीक है, मेरी नॉट फेवरेट एक्ट्रेस ये, ये तो मैं नहीं बता सकती। नहीं तो कोई भी नहीं है, तो कल खड़ी होगी इसके साथ कोई बेटी बनी हुई तो ये कोई भी नहीं है भाई। फिर मैं उनके लिए पूछूंगा, वो भी उनके तो सब फेवरेट, वो भी कहेंगे सब फेवरेट है। अच्छा मैं मान के देखो भाई, हमारी सब प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, बच्चे हमारे बड़ा की करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, किसी को कैसे क्या क्यों और क्यों। छोटे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तमीज वाले हैं, वो देर में आए सवेर में वो हमारा इशू नहीं है। सही है, वो प्रोडक्शन जाने वो जाने, सही है, वो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी दबा देते हैं ऐसे प्यारे बच्चे, इतने प्यारे, कोई शक सही बात है, अच्छी बात है। शुरू शुरू में बहरोज मुझे देखकर ये सोचता था, बहरोज तुम्हारे जावेद ने मुझे पहले दफा देखा तो क्या सोचा? इन्हें नहीं पता यार, लोग सोचते थे इसको क्या पता। मुझे बताया था एक दफा भाई, ये पीटीवी का स्टूडियो है, स्टूडियो बी, मैं और जावेद ऊपर खड़े हैं,
ये है 81 की बात, ठीक है। और ये इसका पीछा करते हुए आए कि कोई नई लड़की आई है, ये प्यारी सी आई है इस्लामाबाद से ना। मैं आपको सच कह रहा हूँ, 80 की है। 80 की बात है ये, 79। हाँ जी, अरे भाई 78 आगे पीछे की बात नहीं हुई थी कसम से। और कोई आई है, गाना गा रही है, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। गाती थी ना मैं पहले, तो हम वहाँ से जो कंट्रोल रूम चेक करने आए थे आप दोनों, शोएब मंसूर के प्रोग्राम में गा रही थी। नहीं, शादी हो चुकी थी, एक्सक्यूज मी, नहीं मंगनी हुई थी, तुमने कहा वो भी हुई थी तो पहले डिसाइड कर ले भाई। सुनो ना हमने देख लिया, फिर हमें किसी ने बताया कोई मोटरसाइकिल पे यूं कर रहा था एक दाढ़ी वाला, खुदा की कसम ने कहा ओए ये मियां है इसका, मंगेतर है इसका ना, मंगेतर है या मियां है यार। तो हमने कहा ये तो बेचारा है, ये बड़ा लकी आदमी है यार। ये पोपट देखने आए थे वहां पे, ओके ये दोनों ये कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। फिर मेरा ये वाला सीक्रेट बहुत कम लोग जानते हैं, मेरा या इनका, ये इनका, ये आप बताएं। अभी तो सिवाय तुम्हारे तो इधर कोई भी नहीं जानता। और ये सवाल कहां से आ गया यार, फजूल सवाल है ये। ये सीक्रेट ऐसा है जिसका मैं हिस्सा हूं। अच्छा, ये कैसा सीक्रेट है जिसका मैं हिस्सा हूं? ऐसा इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और मैं ही हिस्सा हूं उसका। इन्होंने तो भिलक नहीं लगने दी कभी, ऐसे थोड़ी है। तो दोस्त देखो, जो दोस्त होते हैं ना, जाहिर है वो आपके जो ब्लड रिलेशन है ना वो मजबूरी है, मजबूरी सही है। और दोस्त तो आपकी एसेट है, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट आपके दोस्त है, अच्छे दोस्त। अच्छा मजे की बात बता दूं, मैंने भी पिछले दिनों अपनी मुख्तलिफ, हम पहले जमानों में डायरियां लिखते थे ना, डायरी में मेरी एक इंडिया की डायरी थी, एक दुबई की थी, एक पाकिस्तान की थी, तीन चार डायरियां, एक इंग्लैंड की थी, एक इनकी जवानी की डायरी थी, वो मैंने देखी। मैं वो कहानी लिखने वाली डायरी, फोन नंबर की डायरी। अच्छा अब वो जनाब मेरी हर डायरी में, मतलब जो अब्रॉड वाली नहीं, जो पाकिस्तान वाली डायरी थी, तो जो इमरजेंसी का नंबर होता था वो इसका होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ना खामद का होता था, ना ना, ना किसी और का, ना कुछ। यार ये तो बड़ा प्यार है भाई, तो जबरदस्त। अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, एक्सीडेंट और ना करे, तो मैंने क्या किया एक दिन, और अगर खुदा ना खास्ता ये किसी को कुछ कर दे तब भी आपका। एक दिन ना मुझे ऐसे ऐसे मैंने सोचे बगैर ना इंस्टाग्राम पे वो डाल दिया, आए इसको फोन कर करके लोगों ने सब खुदा की। मैंने जल्दी से हटा लिया। अच्छा आप सोशल मीडिया कभी कभी ऐसे यूज कर लेते हैं बगैर सोचे समझे, किसी को कुछ भी बोल दिया। माय बेस्ट फ्रेंड, मैं तो हुई नहीं, अब है ही नहीं। नहीं अच्छा, इसने कहा मुझे पता नहीं कौन कौन फोन कर रहा है, मैंने हटा लिया, 5 मिनट में हटा लिया, लेकिन मुझे प्यार आया। और मैंने कहा देखो ये होते हैं दोस्त, ये देखो ये मेरी इमरजेंसी में इसका नंबर था, तो वो उस मोहब्बत में ना मैं भूल गई कि उसका नंबर लीक कर दिया। ठीक है जी, मुझे अपने खिलाफ ये बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको कोई ये बात की तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। बताओ, बताएं, बता दें, बता 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 कि ये सफीना के बारे में ओवर पोजेस्ड। अच्छा, ओवर पोजेसिव है। ओके, मतलब सुनो एक मिनट, जाहिर है भाई मैं उसका ख्याल रखता हूं। अच्छा, भागना जाए। सुनो हम लोग बैठे, हम लंदन गए वहां पे, हम कहां, ग्लासगो या पता नहीं ब्रेडफोर्ड गए, ठंडी जगह पे, इमरान खान के साथ। जब हम जाते थे ना, हम शौकत खानम करते, तो अब सफीना भी साथ में थी, नरिमान भी साथ में थी, और सुम्बुल भी साथ में थी। खैर अब ठंड बड़ी हो रही है, अब हम सब बैठे हुए, हम भी तो बैठे। सफीना ये गले पे मफलर लगा लो, ठंड ना लग जाए। सफीना ये ढक लो, ये स्वेटर सही से पहन लो। अरे सफीना के पीछे ही पड़ गया ना, और ये जल रहे हैं, मर रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि सफीना को और नरिमान को लंदन जाना था, हमने आगे चले जाना था। अब मैंने कहा कि इनको ट्रेन में भेजो, ये तो यूं हो गया, क्यों सफीना ट्रेन में नहीं जाएगी? मैंने कहा तो नैरी भी तो जा रही है। हाँ। तो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, इसके दिल को कुछ वो हो रहा था, सफीना जा रही थी। नहीं, नरिमान तो क्या नरिमान भी साथ में, यार गोरे बड़े बदमाश। नहीं तो मेरी बेटी जा रही साथ में, उसकी कोई फिक्र नहीं, सफीना ट्रेन में नहीं जाएगी। सही है, ठीक है जी, हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। ठीक है, सोशल मीडिया पे मेरे लिए उड़ाई जाने वाली सबसे झूठी खबर मेरी, ये इनकी 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 तो सोशल मीडिया पे सारी सच्ची खबरें हैं। वो जो एक खबर उड़ाई किसी ने गोद में बच्चा दे दिया। यार ये तो अल्लाह, यार वो कहां से निकल, यार वैसे वो एक्सट्रीम थी कि वो कौन सी तस्वीर थी, आपकी शक्ल भी ऐसे कि अस्पताल से निकली थी, दिखाई थी। यार वो क्या तस्वीर, वो किसी ड्रामे की, बुढ़ापे का सहारा भी मिल गया।
ये लिखा था कि बच्चे का सांस रुक गया, बुशरा घबरा गई। अच्छा वो तो सब, लेकिन मुझे वो तस्वीर आज तक, एक तस्वीर भी आपकी, पता नहीं कौन से ड्रामे की है उन्होंने वो तस्वीर को कुछ किया हुआ, मॉर्फ की, ये तो हम बच्चा उठाया हुआ यूं बैठे तो हंस रहे हैं ना। अच्छा छोड़ो ये पकड़ना भाई, मुझे क्यों, चार घंटे का शो है क्या? ब्रेक ठीक है, ब्रेक छोड़ो सर, ब्रेक लेके आगे बढ़ते देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारा सेगमेंट है तीखा सच, और तीखा सच में आप जानते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज जो आए होते हैं उनको खाने होते हैं मजे के विंग्स, लेकिन जरा से होते हैं तीखे, तो भूख तो आप दोनों को लगी हुई थी, तो इसलिए हमने आपके सामने विंग्स रख दिए, लेकिन चूंकि इनमें मसाला डालना बहुत, देखो ऐसा तुम मेरे बड़े पुराने जानने वाले, ऐसे ना करना, ये देखिए डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ भी नहीं है इसमें, अल्लाह कुछ है ही नहीं बेरोज। हाँ जी, तुम बाहर तो निकलेगा ना यहाँ, ये वहां जाके मैं भी खाऊंगा। ओए अल्लाह, ये क्या बेरोज भाई, ये इतने मजे के, आप मुझे पता आपको चटपटी चीजें पसंद है, आप खाएंगे तो बस हश हश करो, ठीक है? खाने में तो बड़ा मजा आता है, बाद में पता चलेगा, कहना नहीं होता ये समझ लेना। अच्छा सही है, नहीं ज्यादा नहीं है, कहते हैं तो और थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ये देखिए आईज, आप मेरे सारे शोज के एपिसोड देखे, मैंने इतना कम मसाला डाले कि आप सोच ही सकते हैं। अरे यार ये कम, नाजरीन ये देखिएगा, ये कटोरी खबीस ने खाली कर दी है। मतलब ये भी ये तुम्हें बुजुर्ग समझ के तुम पर एहसान कर रहा था। नहीं 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 बुजुर्ग नहीं, वो कहां से लग रहे हैं आज लड़के, यानी इतने यंग बॉय लग रहे हैं, देखें देखें। जब आपके घर में यंग कपड़े लटके हुए हों, आप समझ रहे मेरी बात, तो फिर आप यंग, आप निकाले हैं उसमें से पहन लें और पहन के चल पड़े, जिनके कपड़े हैं वो शूटिंग वूटिंग पे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शेरोज लग रहे हैं, शेरोज की जैकेट पहन क्या, लेकिन बड़ा सही साइज तो आपका वही है, वेरी नाइस, जबरदस्त है। अच्छा जी पहला सवाल आपसे, और आप खाते हुए जवाब देंगे। अच्छा पहला सवाल ये है, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आप जहाज में सफर करके आ रही थी और आपने कहा खाना बहुत बुरा है, ब्लैंकेट सही नहीं है, सीट सही नहीं है, मसला क्या हुआ था? अच्छा खाते हुए दूं, ये तो सजा के तौर पे नहीं है। अच्छा मैंने कहा शायद इसी साइड से खाने, हाँ कि वो अपना बात ये है कि तौबा तौबा, ओह ज्यादा नहीं, बात ये है कि मैं आ रही थी टोरंटो से और मैं अपनी कौमी एयरलाइन में बहुत दिनों बाद बैठी थी इत्तेफाक से, अभी तो मैंने अल्लाह जानता है ये रिस्क मेरे हाथ में, मिर्चों वाला रिस्क, मैंने खाने की फोटो नहीं डाली क्योंकि दूसरे मुल्कों में भी लोग देखते हैं, मैं इतनी ज्यादा वो नहीं करना चाहती थी। मैंने बहुत धीमे सुरों में कहा था कि कंबल फटा हुआ है और खाना अगर आप देख लेते कि उसकी प्रेजेंटेशन और खाना कैसा था, मैं दोहराना भी नहीं चाहती क्योंकि वो इतना शर्मनाक था। और फिर वही बात बिजनेस क्लास में, जबकि मैंने दो चार कमेंट पढ़े कि बढ़िया शो मार रही थी कि मैं बिजनेस क्लास में बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ था। सोचिए इकोनॉमी में क्या हाल होगा फिर? तो शायद हम बेहतर ही हो, कुछ हमें क्या पता, खाए तो हाँ खाए थोड़ा सा, लेकिन फिर और इतना लंबा सफर बुशरा जी, टोरंटो का सफर, फ्रॉम टोरंटो टू लाइक ओ माय गॉड। हाँ जी, तो मैं तो 18 आवर्स, मतलब मैं बताऊँ कि जब मैं आ रही थी ना तो मैंने दो तीन पराठे बनाए थे क्योंकि वहाँ तो मेरी बेटी तो खाम पकाती नहीं है, मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा आटा रह जाएगा तो ये जाया कर देगी, एक उसकी बेटी को दे दिया, उसको दे दिया, रोल करके अपने बनाया था, मैंने बिजनेस क्लास में वो पराठा निकल के खाया। वाह वाह वाह, ये भी और देखिए कितना काम आया वो पराठा, बेहतरीन खाना बनाती है, असली घी में, बिल्कुल आई नो, आपने खाया? एक बार खाया, सिर्फ एक बार। यार बच्चे को तुमने सिर्फ एक बार खिलाया? भिंडियां, भिंडियां खाई थी, अबे पाए खा ले तू इसके, और एक और भी चीज कोई कीमा था, पता नहीं क्या कुछ खाया था, बहुत मजा, हम भी सेट पे थे इकट्ठे, नहीं तो फिर मेरे पास, नहीं नहीं अभी घर आके खाया था यार, सब थे, सब लोग थे, आप दर्जी आई हुई थी, सब लोग, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, आपसे सवाल है, खाइए। ये बड़ा लड़का ठीक नहीं निकला, बड़ा होके एक दौर था जब आप में गरूर आ गया था, कामयाबी आपके पास थी और फिर गरूर से वापस, ये कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं मिर्चे आज, और क्या, मैं वैसे मिर्चे कम खाता हूं, कम खाते हैं, हाय आज हमने आपको ज्यादा खिलानी है, आप बताएं गरूर क्यों आया था? वो मैं जब खुदा की बस्ती की थी तो बहुत पुरानी बात है, 1974 की,
तो मुझ में बहुत गुरूर आ गया क्योंकि मुझे पता नहीं था यार। बच्चा था ना मैं बहुत बहुत 17-18 के थे अब तब शायद बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई थी 15 साल का होगा मैं पागल हो गया था और जितने भी साल का था यार ये जरूरी है बताना कितने साल मिर्चे लगे और तेज हो 12-13 साल के तो वो लोग मुझसे कहते थे आप नौशा है मेरे कैरेक्टर का नाम नौशा था यार अहसन खान अच्छा तो वो मुझसे कहते थे आप नौशा है तो मैं कहता था हाँ हूँ क्या बात है तो इट इज बैड आपके फैन आपसे पूछते हैं मोहब्बत करते हैं आपको तमीज से प्यार से जवाब देना है सही है तो बहुत नहीं बाबू क्या लगता था कि मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ और मैं बड़ी कोई चीज बन गया हूँ इस तरह की ये नहीं था फिर लेकिन दिमाग में एक फतूर था मैं चिढ़ जाता था ये नहीं था कि मैं पता नहीं खुदा ना खास्ता सही है सही मेरी मरहुमा वालदा ज्यादा लगी दूध पी सकती थोड़ा सा ये दूध फिर भी फिर मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि बेटे ये अच्छी बात नहीं है डोंट बी रूड विद योर फैंस ओके वेरी इंपॉर्टेंट वो अल्लाह ताला ने बात समझ में बिठा दी ठीक है और फिर चल सो चल है ओह तू बाहर तो चल मैं तुझे बताता हूं मैं बाद में आऊंगा आप लोग जा चुके होंगे ठीक है जी बुशरा जी आपसे सवाल ये है कि एक इंटरव्यू में कहा कि ड्रामास में जो दौड़ है वो नूरुल्लाह शाह उसका हिस्सा नहीं बन सकती इसलिए उन्होंने निकला छोड़ दिया इसका क्या मतलब था इसका मतलब ये है कि सेंसिबल अच्छा ड्रामा लिखने वाले अब धीरे धीरे पीछे हट गए अच्छा क्योंकि नूरुल्लाह शाह बहुत अच्छा लिखने वाली है आखिरी नस्ल थी मतलब कि मैं बानो गुच्छे वगैरह का जिक्र करते करते वहां तक आऊं तो एक अच्छा ड्रामा लिखने वाली थी उन्होंने बगैर ये स्टेटमेंट दिए हुए पीछे हट गई वो ठीक है हम समझ गए हमारी तो दोस्त है लेकिन काफी अरसा उन्होंने कोशिश की लोगों के ड्रामे को सुपरवाइज भी किया स्क्रिप्ट हेड भी रही लेकिन एक जगह ऐसी आई होगी कि उन्होंने फिर सोचा होगा कि मैं नहीं लिखती तो आपको लगता है कि वो जो आजकल आमियाना चीज लिखी जा रही है वो उससे बहुत डिफरेंट लिखती अभी भी देखिए कुछ अच्छे ड्रामे जो हैं जैसे मतलब परिजात के अलावा भी मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे एक आधा ड्रामा भी है चाहे आप हम सफर को ले लें जो बड़ा ट्रेंड सेटर था सही है। कहानी वही थी सास बहू की सही वो जरा उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी डिफरेंट थी इट वाज जस्ट अ लकी प्ले प्यारे प्यारे थे सब अति कभी प्यारी सी थी माहिरा भी प्यारी सी थी फवाद भी प्यारा सा था वो सारा कुछ ही प्यारा था वो एक आम कहानी थी जो कि हिट हो गई और गाना भी बड़ा अच्छा था हाँ तो सही अच्छा अच्छा फिर उसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं जो सच्चे ड्रामा हम कहा के सच्चे कोई अनोखी कहानी नहीं है मगर अच्छी तरह लिखी गई है अच्छी तरह शूट की गई है और बात वही है एक कजन पे दो कजने मर रही थी तो एक ऑफबीट काम जो है वो हम इस वक्त सिर्फ एक परिजात का ही नाम ले रहे हैं नहीं अच्छे अच्छा रकीब से भी एक ऑफबीट काम था इस तरह के काम जरा अलग होते हैं लेकिन टिपिकल काम भी अगर हैं और उनको अच्छी तरह पैकेजिंग की तो वो अच्छे लगते हैं ठीक है सही है सही है ठीक है जी जी बहरोज भाई आपकी टर्न है बहरोज भाई सवाल कोविड डेज में आपने भी इससे फाइट की है उस वक्त ये बताए सबसे ज्यादा क्या नोटिस किया जिंदगी में और क्या चेंज आया कोविड के दिनों में आप मेरे कान से धुएं निकल रहे हैं आप सवाल दोहराएंगे कोरोना की वजह कोविड कोरोना की वजह से सब में कोई ना कोई सबने कुछ नोटिस किया कुछ चेंज आया आप यू वेंट थ्रू इट ऑल्सो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में आपने क्या सोचा कि अब मैं कोविड से निकल के ये करूंगा या ऐसा करूंगा देखिए जी बात यह है कि बहुत सिवियर था मुझे I was in ICU. और अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी और लाखों करोड़ों मुझे दुआएं थी बिल्कुल 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 दूसरा आई एम अ चेंज पर्सन नाउ पहले भी मैं हम मिलके बहुत से काम हमने किए हैं और बिल्कुल अल्लाह को राजी करने के लिए किया खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा लेकिन अब वो ज्यादा करने हैं ओके अब हमें अल्लाह ने सब नवाज दिया यार शोहरत दे दी बेहतरीन अब अपने लोगों के लिए करना है और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ठीक है दिस इज अ चेंज बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है यार ये इससे मिर्चे वो नहीं नहीं ये हैंड सैनिटाइजर है यार ये बेरोजगार क्या हो गया यार क्या हो गया अभी एक खाई यहाँ पे आते सारे पांच पांच हर सवाल पे खानी होती देखिए मैं कितना आपके साथ मुरव्वत में मैं सच जरूर बोलूंगा हाँ भले इसको एडिट कर देना सुबह तक पाइल जरूर हो जाएगी अच्छा सही नहीं फिर ना खाए आप यार फिर जरा कम खा ले हाँ। अगला सवाल आपसे बुशरा जी हाँ जी सोशल मीडिया स्टार्स टिकटॉकर्स
कुछ भी नहीं करते लेकिन बस ऐसे बिला वजह हर जगह दिखाई देते हैं और उसमें डेप्थ भी नहीं होती, क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? ये जो आपने खुद ही सवाल किया यही जवाब जवाब भी दे दिया। ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं ये बच्चे? मर्दों की आवाजों में औरतें लिप सिंक कर रही हैं, बंदा डर जाए। गरीब है यार, ना गाना आता है ना डांस करना आता है। जो कुछ लोग करते हैं वो बड़ा क्यूट करते हैं, फनी चीजें भी बनाते हैं, कोई अपनी अम्मी के साथ कोई फनी मजाक करता है वो भी अच्छा लगता है। लेकिन खड़े आप लड़की बने, आप लड़की हैं प्यारी सी और लड़के और आदमी की आवाज आप में से आ रही, बंदा डर जाए। यानी आपकी खूबसूरती फारिग। हाँ, तो प्रेत आत्मा आ गई आपके अंदर, कौन है आप? और फिर उसके बाद और किसी ने मुझे फोन किया कि लड़की ने, मैं टोरंटो में फारिग बैठी थी कोविड में, जैसे मुझे फारिग होते हुए गलती से मैंने इंस्टाग्राम शुरू कर लिया, तो उसने मुझे कहा आपा ये एक ऐप होती है, इस पे आप जाएं जितनी बातें करेंगे उतने डॉलर करेंगे। मैंने कहा क्या होता है? अच्छा। उसने कहा यूं करें यूं करें यूं करें, ये आपका अकाउंट बन गया, ये यूं है। मैंने कहा अच्छा भाई, डॉलर मिल रहे थे? सच बोलो। अच्छा सुनो, उसने जब ये कहा ना कि आप सारा दिन लोगों से बातें करें, मैंने कहा मैं तो नहीं करती किसी से बातें, कौन पता नहीं कौन कौन बकवास करेगा। अच्छा मैंने कहा ठहर जाओ जरा, मैंने कहा अपनी बेटी से पूछा। उसने कहा अम्मा इसको फौरन डिलीट करें, ये तो गलत गलत चीजें होती हैं इसके ऊपर। मैंने कहा हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं है, सुना लोग सारा दिन मतलब है कि बैठे ही रहते हैं, फिर बैठे रहते हैं और आप ऐसी चीजें होती देख के डर जाती। नहीं, उसने मुझे पता क्या दिखाया, उसने मुझे दिखाया लाहौर के हमारे जो आर्टिस्ट है ना, जो हमारे कॉमेडियंस हैं, अच्छा। उसने वो दिखाया कि देखेंगे बैठे हैं ओए, 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 ओए। ऐसे करके नसीम विकी और उनके साथ ही, अच्छा, जो दो चार पांच लोग हैं, तो वो बातें करते हैं लोगों से। तो मैंने कहा देखो बेटा ये तो मर्द है ना, ये तो किसी को जवाब भी दे लेंगे, कोई मेरे साथ की तो कोई नहीं बैठी। तो कह लेंगे हम आपा हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे लोग आके बुरे हो जाए। मैंने कहा पता नहीं कोई यार, मुझे पता नहीं कोई क्या ही कह दे बकवास कर दे। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं नहीं करती है। और आपने डिलीट कर दिया ये हमें तो ये सोसाइटी को तबाह कर दिया। सॉरी टू से, और नोजी साफ कर करके मेरा मेकअप तबाह हो गया। नहीं तबाह नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। बेहरोज भाई, आंख और नाक से पानी निकलना शुरू। बेहरोज भाई, आपके किसी बहुत ही करीबी साथी ने बताया है कि आप गबल्ले बहुत मारते हैं, टंग ट्विस्टर्स करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे? जैसे शीशा साफ करना है, हाँ। तो हम पता नहीं लंदन में थे तो बहुत फॉग थी, तो आई वॉज ड्राइविंग, जावेद बैठा था, तो मैंने कहा जावेद यार जरा शीशा सफल लो, शीशा साफ कर लो, कर लो। अच्छा एक मैं बताऊं, मैं नई नई इस्लामाबाद से आई थी, 80s की बात है, हम लोग कहीं स्टेज शो कर रहे थे, उसमें मुईन अख्तर भी नया नया था, ये भी था जावेद भी था। अब इसको बुलाया, ये नर्वस हो गया ना, तो किसी ने आवाज दे दी जावेद शेख, जावेद अब कह रहे हैं वो शल काम को आएंगे। वो शल काम निकल शाम। अच्छा वो खालिद अनम हमारे दोस्त हैं, जी जी, तो हम थिएटर करते थे PSCC में, वो जो ट्रांसलेटर जी था, जो उसमें चचा के दोस्त आ गए, चचा के दोस्त आ गए, हैं दत्ता दत्ता के चोस आ गए, दत्ता के चोस आ गए। अच्छा ये मुझे मेरे सामने कभी आपने नहीं किया, लेकिन ये आपका एक रेगुलर ही कंटिन्यूटी आपकी कंटिन्यूटी थी, अब मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। हम तोपकापी म्यूजियम में है, ओके, वहां टर्की, अच्छा टर्की, और वहां गोल्ड लगा हुआ है। तो मैंने जावेद से कह रहा हूँ यार जावेद पता है जो 1400 टन टोना लगा हुआ है इसमें, एक जबरदस्त गबल्ले जो PTV पे अबुल आला शमसी एक न्यूज़कास्टर होते थे, उन्होंने क्या कराची की शाहराहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और फौजी गश्ते दस्त कर रहे हैं। फौजी दस्ते गश्त कर रहे हैं, फौजी दस्ते नहीं फौजी गश्ते दस्त कर रहे हैं, माफ कीजिएगा फौजी दस्ते गश्त कर रहे हैं। अच्छा ये पढ़ने में भी कभी कभी प्रॉम्प्ट पे पढ़ने में इंसान है यार। हाँ सही है, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन आज तुमने जो सलूक किया ना, ये याद अभी तक एक वो देखे, वो फिर भी वो तीसरा शुरू हो गया, आपके हाथ में उस वक्त से एक है। अरे एक ही बहुत है, कमाल है, यही नाम पूछेगा सुबह। अच्छा चलो पूछो ठीक है, वो गहरी जल्दी करो, जान छुड़ाओ यार, खत्म करो ये क्या है। बेहरोज भाई आपसे आखिरी सवाल है, हाँ थैंक यू, वो ये है अक्सर ईद या दूसरे इवेंट्स पर आप सब दोस्तों की गैदरिंग होती है, उसमें इस्माइल तारा को आप लोग नाराज कर देते, सर क्या चक्कर है, क्या वजह है? भाई वो हमें इस्माइल तारा हमारा साथी है, सही, स्पेशली जावेद का मेरा, बिल्कुल सही,
वो हमें इतना अजीज है हम उसको टीज करते हैं। अच्छा, छेड़ छेड़ के पागल उसको मजा आता है और वो असल में चिढ़ जाते हैं। ऐसे चिढ़ते हैं कि आपकी सोच है ये तो धुएं निकल रहे हैं ना, बगैर मिर्चों के हर तरफ से धुएं निकल रहे हैं और ये लोग हंसते होंगे। नहीं फिर वो ताल्लुक तोड़ता भी नहीं है। नहीं, नहीं, फिर भी वही है वो लड़के जाता है हमसे लड़के चला फिर दो दिन बाद ठीक जहन्नुम में जाओ तुम लोग, ऐ हो तुम लोग, वो अगले दिन फिर और क्या हाल है भाई ये तो दोस्त प्यारे आदमी हो वैसे प्यारे नो डाउट। कराची में आजकल या कराची में? अच्छा, नजर नहीं आ रही कि मुझे बहुत अरसे से टेलीविजन पे या कहीं पे टीवी देखना पड़ता है ना नजर आने के लिए। मैं बहुत बड़ा टीवी देखते हैं जैसे नहीं देखता हूँ एक्चुअली देखता हूँ लेकिन बाकी मुझे नेटफ्लिक्स आप देखते नहीं, हैं अरे ऐसा नहीं नहीं अब मुझे सब पता होता क्या हो रहा है किसका ड्रामा चल रहा है। नहीं नहीं बस ही इज आउट ऑफ साइट फ्रॉम फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम है ना है ना। काफी ठीक है जी, आपका ये जो इम्तिहान है ये पूरा हुआ। देखो मैंने तीन खाए मैं फिर बहुत जबरदस्त वेरी नाइस। बुशरा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तीन जो जो घर से भूखा आएगा वो ऐसे खाएगा चाहे मिर्चे हो या अच्छा, ना उठ जाए नहीं आप बस उठ जाए की मर्जी है। हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान और हमारे सुपरस्टार्स, हमारे बहुत प्यारे फेवरेट, हमारे सितारे चमकते दमकते हमारे साथ मौजूद हैं और चमकते दमकते धुएं निकलते लेकिन अब धुआं कुछ कम हो गया बेरोज में, कुछ कम हो गया, ठीक हो गया। चॉकलेट खिलाई, चॉकलेट खिलाई, यस यस यस। अच्छा जनाब, हमारा ये सेगमेंट है छुट्टी बंद और ये आपसे सवाल किए जाएंगे, आप दोनों से सवाल यहाँ स्क्रीन पे आएंगे, आप लोग देखेंगे जवाब देंगे, सवाल सवाल करके हमारा तमाशा बनाया जाएगा। नहीं 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 ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, हम थोड़ी बनाएंगे, हम तो सिर्फ मजाक करेंगे, खुद ही बन जाएगा। नहीं यार, अच्छा हम अगर आप कहते तो हम ये नहीं खेलते सेगमेंट, आपकी मर्जी है, मेरा सबसे फेवरेट है बस फिर ठीक है। अच्छा जब आपको सवाल का जवाब अगर आता है तो इंस्टेंट जवाब देना है, अगर आप लेट हुए तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा, ठीक है, और अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर ऑब्वियसली तब भी आप लूज कर जाएंगे, इसमें से नंबर चूज करेंगे और फिर इस ट्रेजर बॉक्स में है मजे मजे की चीजें जो आप इस्तेमाल करेंगे। ओके सही है, एनी क्वेश्चंस? इसमें से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। अच्छा ठीक है, तो आप यानी पहले हम नंबर चूज करेंगे देन यू विल आस्क? नहीं, पहले मैं सवाल करूंगा, जब आप हार जाएंगे फिर नंबर चूज करेंगे। ओके मतलब हारने की तैयारी करो भाई। अरे मैं तो वैसे ही हारा हूं। अच्छा जी, पहला सवाल आप लोगों से ये है, व्हाट कलर डज येलो एंड ग्रीन मेक? लाइम, लाइम, ओशन मिस्ट या मरून? लाइम। आपने कहा लाइम, येलो और ग्रीन को मिलाएं तो क्या बनता है? लाइम। अब तो वो जवाब दे ही चुकी हैं पहले, पता नहीं देखते सही है गलत है। आपको कोई आपको कोई ऑप्शन? लाइम लाइम लाइम, आई थिंक ओशन मिस्ट। अच्छा जी, आपने कहा ओशन मिस्ट, येलो और ग्रीन को मिलाया तो बनता है लाइम। अब आप चूज करें। मैं डब्बे में जाना चाह रहा हूं। नंबर फोर। नंबर फोर, आप अगर इसमें से कच्चा बैंगन निकला तो खाना पड़ेगा। अभी तो देखिए क्या निकला है। Nose, eye, eye, wow! ये कहने जाएगा कि पहनूंगा कैसे? ये मेरे उसमें ऐसे, ये देखे। मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, बड़े। आ, वैसे इससे काम बड़े बड़े किए जाते। सही है जी, अगला सवाल ये है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज स्टील, रॉट आयरन या पिग आयरन? रॉट आयरन। आपने कहा रॉट आयरन, आपने कहा वैसे मुझे लानत भेजता हूं पिग आयरन पे। स्टील। लिखा है जी सही जवाब, हमारे हराम है। रॉट आयरन सही बोला है यार, लगता है ये पर्चा लीक हुआ है। मतलब है कि आप, ये इम्तिहान का पर्चा लीक हो चुका है। मुझे एहसन खान और बुशरा अंसारी के ताल्लुकात के बारे में पता है। आप देखिए मैं कितनी बुद्धिमान हूँ। ये बुद्धिमान। हाँ ये अब आप चूज कर रही है, हिंदवानी बुद्धिमान है। नाइन। नंबर यार बेरोज भाई जो है ना, यार बेरोज भाई देखिए क्या आ गया यार,
ब्राइडल दुपट्टा तौबा है बेरोज इस चुड़ैल की जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। मजे बेरोज तुम तो औरत बन के बहुत ही बुरी लग रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा नाक लगी हुई है तो इसके तो ऐसे ही हो। नहीं तो इस नाक को कटवाना पड़ेगा। हाँ। फौरन, फौरन के तो कोई ऐसी हरकत करनी पड़ेगी जिससे ये कट जाए। ठीक है जी, अगला सवाल ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन दैट कंट्रोल्स अ फुटबॉल मैच, जो कंट्रोल करते हैं? रेफरी। रेफरी है, एम्पायर है या रेफरी? आपने कहा रेफरी, आपने कहा रेफरी। ठीक है जी, पहले किसने कहा? आप सही जवाब देखते कौन सा है। मैंने कहा है पहले पहले चीख चीख के कहा पहले बेरोज मैंने कहा। आए जी आगे बात, तू मुझे ना बता जवाब। नहीं मगर मैंने तो गलत जवाब नहीं दिया, मुझे सजा। लेकिन आपने बाद में दिया, फौरन दे रहा था ना, फौरन फौरन। दोनों ने कोशिश की कि किसी तरह से बुशरा को वो ना हो। अच्छा चलो नंबर सेवन, मैं जरा उस नंबर सेवन, नंबर सेवन। ठीक है, खबरदार जो मेरे बाल बिगाड़े होंगे तो। ये क्या है भाई? आई लव, बाल तो नहीं खराब हो गए? बाल खराब है, नहीं हल्का सा लगा ले। जीवे बरड़ा, जीवे बरड़ा, जीवे बरड़ा। मेरे पहन के रखना है, माल खराब हो गया। वरना मैं, अरे बाल बाहर लगे, वरना मैं नाक उतार दूंगा। नहीं यार, नहीं 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 भाई, मेरे का मजा यही है कि पहन के रखना। आप ये कर सकती हैं, ऐसे करके झांक रहे। नहीं मैं नहीं, मेरे बाल ऐसे साहब, ये नहीं होगा यार। आप देखिए वो मेरे बाल पे चक गए, ये लोग पैसे काट लेंगे, समझा करो। नहीं काटेंगे, ये मैं काट रही। नहीं नहीं ऐसा पहनाओ, यू कर लिए, ये देखिए यू पर पहन। नहीं ये नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कहा था कि तुम नाक पहने रखो। आप पहने, आपको तो आप पहन लिए, बेरोज़ ने पहन लिया। उन्होंने पहने नहीं, पहन के यू बात करें। वो नहीं मैं ये रही बस ये रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या ले सलामी के पैसे हैं यार। अगला सवाल, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फाबेट्स, में कितने अल्फाबेट्स हैं? 35, 36 या 37? क्या 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 37 37। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फाबेट? 37 36 35 ही हुए ना। जब 36 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, तो 35 ही हुए। 36 नहीं दिखाइए, देखिए 36। ये आपने कैसे बताया? अच्छा आप गिनने बताने की जरूरत नहीं, आगे आते ही नहीं मुझे। नंबर चूज कर रहे बुशरा जी। अच्छा नंबर, अब क्या सजा का नंबर? चलो नौ, नंबर नहीं नौ तो ले लिया, नौ तो नम 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 वन कर दो, वन। नंबर वन, वाह यार, विंग्स। ओए होए होए, ये कैसे पहनने भाई? मैं बताता हूँ, हाँ ये पहनूंगी, ये भी पहनना पड़ेगा, बाल खराब होंगे। यार मैं जा रहा हूँ भाई, तुम्हारे बाल ही नहीं, तुम्हें क्या फिक्र? अबे यार सहरा पहनाओ यार, ये नहीं करो यार। नहीं भाई जिसके बाल नहीं उसको क्या परवाह। नहीं मैं उतार रहा हूँ, उतार लो। नहीं नहीं तो पकड़ के तो रखो कम से कम। हाँ मेरे मैं आइंदा लेके नहीं जाऊंगी, अच्छी अच्छी जगह। हाँ ठीक है, नहीं लेके पकड़ के रख। हाँ ये आइंदा नहीं ले जाऊंगी। अल्लाह बुशरा कितनी प्यारी लग रही है यार, दूल्हा बन के ना। हाँ तो तुम दूल्हा, अब आप में कसर दूल्हा बनने की रह गई। ऐसे नहीं नहीं, जब वैसे जब औरतें बड़ी हो जाती हैं या आदमी बड़े होते हैं, औरत लगने लगते हैं आदमी, औरतें आदमी लगने लगती हैं। अगला सवाल ये है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश व्हिच सिटी? चश्मा, कराची, कराची, कैनोप। अच्छा आपने कहा कराची और बस सोच रही हैं आप ना, आपको क्या लगता है? जितने जोर से कह रहा है जैसे इसने वहां बम फैक्ट्री में काम किया हुआ है। मैं बताता हूं मैंने क्यों जोर से बोला, पहले बताओ सही जवाब क्या है। जवाब दिखाइए सही है। कैनुप जो है, मैं बता रहा हूं ये
वो मेरे फूफीजाद भाई हैं, जावेद अकलीम नाम है. ओके ओके. वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं. ओह वाह. और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको पढ़ाने भेजा था कनाडा गवर्नमेंट के पैसे पे. फिर वो वहां से पढ़ के 69 में पढ़ के आए और ही वॉज द मैन. पूरी टीम में एक साथी थे वो. हाँ, वन ऑफ देम. और उन्होंने ये सेटअप किया था. तो इसलिए आपको अच्छी तरह ही बात. और उनको सितारा इम्तियाज भी मिला है. अरे वाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस. हमारी प्राइड है वो. बेशक बेशक. अगला सवाल है, पाकिस्तान शेयर्स 2912 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद ईरान, अफगानिस्तान या इंडिया? ईरान. ठीक है, आपने कहा ईरान और अफगानिस्तान. इंडिया तो फिरोजपुर के साथ ही है. अच्छा, बॉर्डर नहीं, किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, यानी पूरी बॉर्डर लाइन जब चलती थी वो इतनी लंबी है. आपने कहा ईरान, उन्होंने कहा इंडिया. सही जवाब है ईरान. ईरान, इंडिया. मंजूर, सजा आपने ली. पांच. नंबर पांच. सेहरा तो पकड़ के रखो. बड़ा सख्त है ये. तबीयत कितनी सख्त है. विग. हाय हाय, शुक्र मैं बच गई. बेटा तुम अबे भाई एक मिनट तो रुक जाओ, बाजा पहले बज जाता है. ये पक्की चुड़ैल बनाना चाहता है मुझे. अब बजा ले बाजा. ये हम खुद लगाया, बाल खराब होंगे इसलिए. सुनो, तुम वो लग रहे हो जरासीमों की मलका जो किसी से नहीं डरती. ओके जी, तौबा है. सेहरा ऊपर. मेरा मुंह छुप जाएगा. छुप जाए यार. बहुत देख लिया लोगों ने. छुप जाए. उन्होंने ये बालों के साथ कहीं और भी जाना, आप समझ समझे. अरे यार मुझे पता है, छोड़ दे. एक ही जगह थोड़ी तुम्हारी तरह. ये ये ये. The first TV station of Pakistan Television was established in Lahore, Islamabad या Peshawar? Lahore. पहले कौन बोला? मैं तो बोली, डरा दिया आवाज. इतनी जोर से बोला, मैं डर के मारे चुप हो गई. सही जवाब दिखाइए. लाहौर ही है. किसका जवाब सही हुआ? आया या या या। इसको कहते हैं किरदार में डूब जाना. निकल आए इसमें से कहीं. अच्छा, निकालो टू. नंबर टू सही है. क्या फिर माफ किया? नहीं. अच्छा है ना के आ आ सेहरा सेहरा सेहरा. नहीं 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 नहीं. मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो, आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले दिल को भुलाना नहीं. ये मेरे कान में अटक रहा है क्योंकि मैंने ये लगाया हुआ नहीं. वेरी नाइस. सेहरा इसके बाल खराब कर रहा है, चश्मा इसके कान में अटक रहा है. हम तो पागल के बच्चे हैं. अंकल को पागल नहीं कहना, बदतमीज. लेकिन हमारे सवाल भी खत्म हो गए. मुंह में बाल जा रहे यार. मुंह में बाल, अजीब गरीब. अच्छा तो बस कर दो. हर तरफ से हवा बंद हो चुकी है. खुदा की कसम, मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई. अच्छा जरा हम एक ब्रेक लेके अगले सेगमेंट की जल्दी ले जल्दी ले. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान. ये जैसे बेरोज भाई खुश रहते हैं और हंसते हंसाते रहते हैं, ये असल में भी ऐसे ही है? हरगिज भी नहीं. नहीं है? सफीना से पूछो. नहीं है. सीरियस बताया? नहीं, ये लड़वाना चाहते हैं. अच्छा, ये घर में सीरियस भी हैं?
नहीं आपका मैंने अभी एक प्ले भी देखा था जिसमें आप वो मुझे लगा कि एक सास का रोल उलट के उसमें सुसर का कर दिया ऐसी जालिम सास थी वो हालांकि वो बदनाम ही है बस लेकिन आप बड़े उसमें जालिम सुसर नहीं हालांकि बहुत अच्छा सास है ना बहुत अच्छा सास है मतलब हमेशा ये कहता हूँ कि जो हम टाइम पे आते हैं क्या हुआ बाजा खराब है क्या चेक करें हम जो टाइम पे आते हैं जो ड्रेस पहनते हैं जो गेटअप कराते हैं उसके हम पैसे लेते हैं सही जब सीन करा रहे होते हैं वो हमारा पैशन है सही 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 उसका हम मजा लेते हैं दिल से करते हैं और जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन बन जाए आपका प्रोफेशन बन जाए तो यार इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती बिल्कुल सही अच्छा जी इसमें तीन चार पर्ची मैं नहीं खाऊंगा यार मैं नहीं खाऊंगा निकालने के लिए खाने के लिए नहीं है तो पहली पर्ची आप निकाली ये निकली ठीक है जी ओ मुसरत नजीर हाँ अच्छा आपने तो किया हुआ ना इनका बड़ा ये मेरी चची भी लगती है अच्छा अच्छा जो डॉक्टर अरशद मजीद है वो मेरे फादर के फर्स्ट कजन ओके और हैं तो वो थे तो वो डॉक्टर लेकिन म्यूजिक शूजिक का सबको प्रॉब्लम है तबला भी बजाते थे और आवाज उनकी भी अच्छी थी ओके मुसरत आंटी की भी अल्लाह ने आवाज दी जबरदस्त हाँ इनका तो मैंने वो लॉन्ग वाचा किया था क्या खूबसूरत शख्सियत और बड़ा क्या बात है अच्छा मैंने सारी खूबसूरत औरतों की है ये भी वैसे आपने जो ना वैसे वो हैं ही साहिरा सैयद क्या बात है हैं और मैडम जहां मुसलमान सलमा आगा सब बड़ी प्रीटी खबर बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट अच्छा जी पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा ई चिरे वाले अवे खुदाई वे मेरा लौंग वाचा निगाह मारदाई वे मेरा लौंग वाचा पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा ई चिरे वाले अवे खुदाई वे मेरा लौंग वाचा निगाह मारदाई वे मेरा लौंग वाचा निकालिए गाना नहीं दुआ करो कि इसका गाना ना निकला ओहो यार ये किसने पर्ची डाली जानबूझ के कुंडी ना खड़का अभी अच्छे लगे कुंडी खड़काते हुए क्या मतलब किसकी कुंडी खड़कानी यार कुंडी ना खड़का नहीं वो तो कचरा कुंडी पहुंच जाएगा चलाओ है ये है कुंडी ना खड़का क्या करना है सिद्धा थोड़ा सा कर दे दूध वाली मतलब शायर के तखय्युल की भी दाद देनी पड़ती है नहीं कुंडी खुल चुकी है इसलिए बैठ जाओ अगली पर्ची भी इतना जोश जज्बे से जो परफॉर्मेंस यार शो के एक और मौका दे रहे हैं लोग एक और जब आपका ताल्लुक गाने बजाने के घराने से हो तो ऐसा मीरा ओ अच्छा हाँ मीरा के बारे में कुछ बताएं हाँ इनका तजुर्बा है उनके साथ काम भी किया है भाई मीरा वैसे ईमानदारी की बात है मीरा के साथ हमने एक फिल्म की थी चीफ साहब अच्छा बहुत मेहनती है वो उसमें कोई शक नहीं है लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या होता है क्या उसका मेंटल स्टेटस है कि वो ऐसी बातें कर जाती है कि लोग हंसते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग हंसते हैं लेकिन वो ठीक है फिर भी वो हमेशा उसका कमाल है सही। वो जो कुछ भी करती है बात खत्म होने से पहले ही बचा दिया ना हाँ यार ये वो जो कुछ भी करती है ना सारी जिंदगी लैम लाइट में रहेगी वो अच्छा ये चाहे वो नेगेटिविटी में हो चाहे पॉजिटिविटी में सही है
सही है, ठीक है। और अभी जो फिल्म उसकी आई थी बहुत अच्छी थी ना, बहुत अच्छी थी बाजी जो फिल्म थी। ये जी लास्ट है और इसमें देखते हैं क्या है। मुझे मालूम है इसमें क्या है। 50-60 हज़ार रुपया निकला है तो 50-60 हज़ार देखा ना, मैंने कहा था ना सॉन्ग है, सॉन्ग सॉन्ग यार। ये देखे ना बुशरा जी हूँ और हम गाना सुना, ये जान जान कैसी पर्चियां और इस गाने पे हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, लेकिन गाना सुनेंगे जबरदस्त। क्या बात है भाई। ओह लाया लाया हो लाया 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 मैं तेरे नाल नो मैं तेरे नाल ढोल ना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई ढोल ना मैं ते लुटी गई।